Hey, what's up guys? This is Manjit and welcome to my Smart World YouTube channel. So guys, आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में, जो है ग्रेट डेन। जी हाँ गाइज, ग्रेट डेन सबसे लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है, बट इनके काम टेम्परामेंट और लविंग नेचर की वजह से इन्हें जेंटल जाइंट भी कहा जाता है। बिकॉज ग्रेट डेन बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं, जिन्हें आप लोग छोटे बच्चों के साथ भी इजिली रख सकते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस ब्रीड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहें। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो पे कमेंट्स करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर करें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइस, अगर आप लोग कुछ यूनिक शौक रखते हैं, आई मीन वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डॉग ब्रीड को अपने पास रखना चाहते हैं, तो ये ग्रेट डेन आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। पपीस ब्लैक कलर में है और काफी अच्छी क्वालिटी में है। वैसे तो गाइस बहुत सारी डॉग्स ब्रीड हैं और उनमें बहुत सारे कलर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, बट मोस्टली लोग ब्लैक कलर को ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप लोग भी उन्हीं में से एक है तो भाई वेट किस चीज का, फटाफट ओनर से कॉन्टेक्ट करके इन पपीज को परचेज कर लो। ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे गाइस, ग्रेट डेन काफी अच्छे गार्ड डॉग्स भी होते हैं। वैसे भी अगर आपके घर में इतनी लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है तो कोई भूलकर भी कोशिश नहीं करेगा आपके घर के अंदर आने की, चाहे ये डॉग्स फ्रेंडली ही क्यों ना हो। और हाँ दोस्तों, ग्रेट डेन काफी स्मार्ट डॉग होते हैं, जिन्हें आप लोग आसानी से ट्रेंड कर सकते हैं, बट कभी कभी आप लोगों को ट्रेनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज ग्रेट डेन हमेशा खेलने के मूड में रहते हैं, जिसकी वजह से वो आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस को जल्दी से फॉलो नहीं करते। सो गाइस, पपीज की क्वालिटी और इनकी मदर की क्वालिटी तो आप लोग देख ही चुके हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये इन पपीज के फादर हैं। बाकी इसकी मैटिंग की पिक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से ही डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पपीज की एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। बट उससे पहले ये है हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है सोनू आर्या, सेकंड है डायमंड आर्ट गैलेक्सी एंड थर्ड है संतोष गुप्ता। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो आज ये 42 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से। और डिलीवरी में भी आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओनर आप लोगों इन पपीज पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे एक्स्ट्रा चार्ज पर, बट मैं हमेशा की तरह आज भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डायरेक्ट विजिट करके ही पपीज को परचेज करें, तो आप लोगों के लिए सबसे सेफ और आसान तरीका है। तो गाइस, अगर फाइनली बात करें पपीज के प्राइस के बारे में, तो ओनर जो इन पपीज के प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 18,000 रुपीस 18,000 रुपए और फीमेल की है 15,000 रुपीस यानी 15,000 रुपए। और ये प्राइस कोई फिक्स प्राइस नहीं है, प्राइस नेगोशिएबल है। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों को क्या करना है और कैसे बार्गेनिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, पपीज की क्वालिटी के हिसाब से आप लोगों को इनका प्राइस कैसा लगा, अपने ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो आई एम श्योर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जल्दी ही मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।